हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार, आप में से काफ़ी काफ़ी कमेंट आए थे, पूछ रहे थे कि आपने बाइक में कौन सी कोटिंग कराई है, लेमिनेशन जो भी कराया उसके बारे में बताओ। जो सेरेमिक कोटिंग वगैरह आजकल होती है ना, तो उसकी पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि भाई हमें बताओ कि भाई कितनी क्या कॉस्ट आती है और करवाइए कि नहीं कराए। तो भाई, मैं आपको इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। उस चीज़ के लिए जानने के लिए सभी आखिर तक वीडियो देखना और लाइक शेयर और कमेंट करना। तो इस अच्छे से व्यू के साथ एक अच्छी सी वीडियो शूट करते हैं। तो यार, पहले तो यार आप व्यू देखो कितना अच्छा और का। यार मेरे घर के आसपास काफ़ी खेत है, तो भाई आप देखो यार कितना मस्त व्यू है। ये खड़ी अपनी बाइक। तो चलिए भाई, वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यार, इसमें क्या था, काफ़ी लोग पीपीएफ सेरेमिक और कई चीज़ करवाते हैं। तो भाई देखो मैंने तो इसमें सिर्फ लेमिनेशन करा रखी जो टैंक है उस पर, क्योंकि टैंक पे क्या ज़्यादातर स्क्रैचेज पड़ते हैं। तो भाई मैंने इसलिए कहा जैसे कि हेलमेट वगैरह हम रख देते हैं तो वही उसी के स्क्रैचेज वगैरह पड़ जाते। बाकी तो भाई मेरे को कोई नीड लगी नहीं कि यहाँ पे और कहीं पे करवानी चाहिए। अगर मैंने इसके सिर्फ टैंक पे लेमिनेशन कराए, सिर्फ जो मैं आपको दिखाता हूँ देखो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमारे निशान पड़ते हैं इसलिए इसी पे करवाई। देखो आप, जैसे यहाँ पे देखो तो ये साइन है ना, वैसे कुछ लोग इसको उतरवा के उसके ऊपर टैंक पे लेमिनेशन कराते हैं और फिर इसको वापस लगाते हैं। लेकिन यार मैंने ये भाई करवाया नहीं, मेरे को यार नई बाइक है क्यों इस साइन को उतरवाना। भाई मैंने इसको क्या करा, मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई इस जो ये पार्ट है ना, क्योंकि यार इस पे वैसे स्क्रैच नहीं लगते तो इस पे रहने देगा, सिर्फ बार बार इतना हो गया और इसको ऐसे कैसे रहने देगा, क्योंकि यार ज़्यादातर स्क्रैचेस जो हमारे हैं फिर टैंक पे लगते हैं, हाथ से लग गए या भाई जो भी अपने हेलमेट वगैरह रखते हैं उससे हो जाते हैं। तो यार यही था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई पीपीएफ वगैरह कुछ करवाए, लेकिन तो भाई जो पीछे का पार्ट है ना, मैंने उसमें कुछ भी नहीं करवाया, ना यहाँ पे कुछ करवाया, ना ही यहाँ पे, मतलब मुझे यार ऐसी कुछ नीड नहीं लगी। कुछ क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे भी करवा लिया, मड गार्ड पे पीछे भी, मुझे नहीं लग रहा भाई उसकी इतनी ज़रूरत है, क्योंकि भाई टैंक पे होती है मेन। तो अभी यार देख, थोड़े बहुत तो यार स्क्रैचेस पड़ेंगे भाई, इतना तो यार होता नहीं है। तो अगर मेरी मानो तो भाई ये करवाना, ये मेरे को अराउंड 350-400 की करी थी, कुछ लोग 500 भी बोल रहे थे, पर 350-400 की उसने कर दी थी। तो भाई अगर आप मेरी मानो ना तो यार यही करवाना, अपने टैंक पे लेमिनेशन करवा लो। पीपीएफ वगैरह यार आप एक चीज़ देखो, इतनी महंगी करवाओ आप, 2-3 हज़ार की, 2-3 हज़ार भी मैंने कमी बोली, ज़्यादा की होती है शायद, मैंने पूछी नहीं उसके बारे में। तो भाई वो करवा, उसके बाद भाई एक 1.5 साल बाद वो फिर दोबारा करवानी पड़ जाती है, और फिर यार बार बार कौन इतने पैसे लगा, यार बाइक पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ेंगे भाई, इतनी कुछ दिक्कत नहीं होती। तो भाई और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ के उसकी चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ये अपना फायर बॉल वेरियंट है, व्यू देखो यार कितना अच्छा आ रहा है। तो चलो भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और मुझे बताना यार वीडियो कैसी लग रही है। व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है, थंबनेल के लिए एक दो फोटो ले लेते हैं। ओके बाय गाइज, थैंक यू।